ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी गण राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़्यादा आवश्यक होने वाली है। बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग और दैनिक दिनचर्या के बारे में हम जानने वाले हैं। परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ सकता है। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जमीन जायदाद लेने का मौका मिल सकता है, घर बनाने का मौका मिल सकता है, वाहन कार्य इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से वह महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रह सकती है, जो कि आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो को लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को कोई सभी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज का दिन का समय बेहद खास होने की संभावना जीवन पर हो सकती है। यह समय आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण इस दौरान लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे आप कुछ नया सीखने के लिए काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस दौरान भरपूर मात्रा में होगा, जिसके कारण भी आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी सीख सकते हैं, आसानी से सक्षम हो सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दातवें भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान आपको धन लाभ तो होगा, साथ ही लोग आपके साथ ही इनसे आपका सामना कई आर्थिक योजनाओं से भी होने के योग बन सकते हैं। इस दौरान अपने कोई भी फैसला को लेने से पहले उनसे पहले निवेश से जुड़ी हर इच्छाएँ और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाने होंगे। इसके लिए आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति से मदद ले सकते हैं। इस दौरान पारिवारिक जीवन में चले आ रहे तनाव के कारण भी अपनी अग्रता भंग न होने दें। ऐसे में यह बात समझने की जरूरत रहने वाली है कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है, यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज़्यादा सीख प्रदान कर जाता है। इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त को बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जान लें और सीखने की कोशिश किया जाए। यही बात करें कि आपके कार्य क्षेत्र की, तो इसके नज़रिए से यह समय केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य पूरी तरह से साथ प्रदान कर सकता है, जिसके कारण भी आप किसी भी कार्य को लेकर भी आप अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में समर्थ होंगे और सफल होंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से ना फिसलने देते हुए इसका भरपूर से भरपूर फायदा उठाने हैं और केरल में उन्नति का रास्ता भी सुनियोजित कर सकते हैं। आपके शैक्षणिक राशिफल को जाने तो चंद्र राशि से बुध प्रथम भाव में स्थित होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप लोगों को जीवन में परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई दे सकता है, साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से किसी अच्छी कुछ किताब या ज्ञान की कुंजी कोई भेंट स्वरूप आपको मिल सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन जाप करना आपके लिए बेहद खास होगा और जीवन में सर्वसिद्ध योगों का निर्माण हो सकता है। चंद्र राशि के संबंध में शुक्र के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस राशि के कुछ प्रेमी जातक इस दौरान आपको पार्टी से कोई ऐसी शादी की बात को लेकर भी करते उसके सामने अपनी इच्छा खुलकर अपने रखते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि आपको शादी का निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने की जरूरत रहेगी। ऐसे में कोई भी संदेह होता है तो अपने प्रेमी से बात करके उसे दूर करना होगा। लंबे अरसे के बाद जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी वक्त गुजरने का इस दौरान मौका मिल सकता है और आज के दिन आपको ऐसे में इस मौके को अपने आलस्य के आगे बर्बाद ना करते हुए आप अपने साथी के साथ अपनी पसंद की किसी भी जगह पर जाने का प्लान कर सकते हैं। संभव होता है तो साथी को भेंट पर फूल में या उनकी पसंद की कोई भी ऐसी किताब दे दें जिनसे उनका चेहरा खिल जाएगा, जिसे देखकर आपको सुकून की प्राप्ति होगा और आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव होने की संभावनाओं के निर्माण होने वाले हैं। आप लोगों के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के कारण भी आप उन लोगों को साबित कर सकते हैं जो सोचते थे वो आज के दिन कुछ नया और पुराना हो चुके हैं, और आज आपका दिन शुभ और बेहतर कार्य होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी।